गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस, चैप्टर नंबर 15, क्लास 6। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। हमें फाइंड करना है वर्ब सेंटेंस में। आई रीड स्टोरी बुक्स एट द नाइट। मैं पढ़ता हूँ स्टोरी बुक नाइट में, तो यहाँ पे होगा रीड वर्ब। फिर वी आर प्लेइंग, हैव कंप्लीटेड, हैव बीन वर्किंग एंड आर द एक्शन। ओके, चलते हैं। अब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? द प्रेजेंट टेंस ऑफ ए वर्ड इंडिकेट्स अ स्टेट और एक्शन दैट हैपेंड इन द प्रेजेंट टेंस। मींस अभी जो चल रहा है, अभी हो रहा है, जो अभी क्या हो रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। मींस वो चल रहा है, वो प्रेजेंट है, आपके सामने एक प्रेजेंट है, ठीक है, आपके सामने एक हो रहा है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। आई लिव इन गोवा, मैं गोवा में रहती हूँ। शी इज सिंगिंग, मतलब मीन्स क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। आईएनजी के लिए हम लोग काम जारी रखते हैं। अगर आप आईएनजी नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब काम जारी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द प्रेजेंट टेंस कैन बी ऑफ फोर टाइम्स, सिंपल कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस फोर टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब पहले पढ़ेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू रिफर्स टू एक्शन दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और यूनिवर्सल ट्रुथ। इसे हम लोग यूनिवर्सल तुच भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्जांपल है, द शी विजिट्स चाइना ऑफ्टन। मीन्स सिंपल रहेगा, मीन्स जैसे क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले तो वो होगा, शी इज़ मीटिंग एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, शी इज़ मीटिंग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, जो मीन्स अभी सिंपल मीन्स इट हैज़ बीन रेनिंग, वो रेन हो रही है, जो वर्षा हो रही है। मीन्स आपके सामने एक प्रेजेंट है, एक सिंपल है, मीन्स तो आप देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। और क्या होगा, सेकंड वक्त, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट की तरफ से उगता है। अब क्या है, फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया, ठीक है। द नेगेटिव फॉर्म बाय एडिंग डू और डज नॉट टू बी बेस्ड फॉर ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो उसकी, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल नहीं पसंद, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल। शी डज नॉट स्लीप लेट, एग्जाम्पल के तौर पे। द इंट्रोगेटिव, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज और डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डज ही लाइक्स डॉग्स, डू वी नीड अ न्यू कार। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ओके, अगर हम बात करें पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है ना, हाँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, तो जो मीन्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी हम लोग कब लगाते हैं, वर्ब को जारी रखने में। आईएनजी कब लगाते हैं, वर्ब को जारी रखने में। ओके, अगर हम एग्जांपल लें, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अगर उसको हम नेगेटिव निकालें, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होगा, चैटिंग। जैसे यहाँ पे है प्रेजेंट की, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आईएनजी लगा देना पड़ता है। ओके, काम को जारी रखने में, काम को पिकने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई एम, अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बताएं तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बताएं तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको समझ में आया, नहीं समझे तो पीडियो को पॉज कीजिए या पीछे करके देखिए, तब आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एकदम अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं जो हमारा है
जैसे अगर हम आपको बताएं एक और एग्जांपल ले, शी इज डांसिंग, अब क्या होगा इसका नेगेटिव क्या होगा, शी इज नॉट डांसिंग, और इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, शी इज डांसिंग। पहले क्या था, शी इज डांसिंग, अब क्या होगा, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हो गया इज इधर आ गया और शी इधर आ गया, तो क्या हुआ, इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया आपको एकदम। देखिए लास्ट में सबके जो है वो आईएनजी ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो वर्ड को आगे या जारी करने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटिंग एज स्पेसिफिक टाइम इन द प्रेजेंट एंड दोज इफेक्ट आर स्टिल देयर, मीन जैसे आप कोई काम कर लिया और अपने दोस्तों को बता रहे हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आई मेड ए रोटी फॉर डिनर, वो किसी को बता रहे हैं मैंने रोटी बनाई थी कल, मैं समझे मैंने एक बड़ा काम करा है, मैंने एक रोटी बनाई थी मम्मी के लिए, तो यहाँ पे बोल रहा है शी हैज़ फिनिश ईटिंग हर फूड, मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया था कल बहुत जल्दी से, तो क्या हुआ, ये मीन्स जो काम ख़त्म हो गया है उसे फ्रेंड्स को अपने बात फिर से बता रहे हैं, मीन्स वो काम अभी भी जारी है, वो काम चल रहा है। ओके ओके, आपको समझ में आया, अगर हम इसको मीन्स बताएं पास्ट कंटिन्यूअस में तो जो सिंगुलर होता है वॉज होता है और जो प्लूरल होता है वेयर होता है, और सिंगुलर के साथ जो होता है यू वी दे लगता है। हम आपको एकदम कान खोल के सुन लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि सिंगुलर जो है वो वॉज के वॉस के पास यूज़ होता है और जो प्रूलर है वो वेयर के पास यूज़ होता है, और प्रूलर कहाँ यूज़ होता है, जब यू वी दे हो। और एग्जाम्पल अगर लें, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अगर इसका नेगेटिव निकाले आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और इंट्रोगेटिव वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा बहुत आसान है एकदम पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जैसे। एक बार फिर बता दे रहे हैं हम, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें आई वी यू एंड दे एंड प्लूरल होता है। ठीक है, पहले वाला वो मैंने क्या बता दिया, उसको बता दिया क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसे भी लिख लीजिए, बस वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस डाल दीजिए। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे होगा, अगर उसका मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको, फॉर्मूले से अच्छे से याद हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं क्या क्या बोल रही हूँ, स्पीक स्पोक स्पोकन, जो स्पोकन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, जो स्पोकन है वो हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैंने क्या किया, हैव या हैज का यूज़ होगा, हैव कब यूज़ होगा, जब शुरुआत में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, प्लीज़ लिख दीजिए, आई व्यू दे एंड प्लूरल का यूज़ होगा, और हैज कब लगेगा, जब आगे ही शी या इट लगा होगा। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव निकाले आई हैव प्लेड फुटबॉल का, तो यहाँ पे होगा आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, और इंट्रोगेटिव का होगा हैव आई प्लेड फुटबॉल। ओके, अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, और जो फ्रेंड जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊँ तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैज बीन फिर हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस सिंस प्लस फॉर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो अभी मैं इसकी पिक भेजूँगी नोट्स की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल पे क्या है, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी, अगर मैं एग्जांपल लूँ फॉर लास्ट फाइव ईयर्स,
मतलब एक टाइम बता रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है उसका कि मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। अगर इसका हम नेगेटिव निकालें तो होगा यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग, नॉट आ जाएगा। किसके किसके बीच में? हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैव आई बीन प्लेइंग गेम। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव निकालें मीन सिंस, उसमें हम सिंस डाल दें इस बार, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया। अगर इसका हम अगर उसका हम नेगेटिव निकाले पहले वाले का, हैव यू बीन प्लेइंग, हैव यू बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ओके। अब अगर इसका हम सिंस का निकाले, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM, ठीक है। ये बहुत आसान है, आपको बस समझने की ज़रूरत है और ये चार्ट पढ़ लीजिए। इसका मैं नोट्स भेज दूँगी, प्लीज़ उसे देख लीजिए मेरे चैनल पे। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस और मेरे नोट्स मिलते रहे, ओके। तो वर्ब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गोन, आई हैव बीन गोइंग। मैंने कहा ना कि हैव बीन लगता है, फिर हैव लगता है, फिर आई के साथ एम तो लगना ही है और ये सिंपल है, ठीक है। जैसा मैंने बताया वैसा ही है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स मुझे मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और अभी मैं इसकी नोट्स भेज दूँगी, ठीक है, ओके। नाउ वाई चैप्टर हैज़ ओवर, ओके। नाउ बाय बाय।